गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों, आई एम अरविंद कुमार फ्रॉम एसकेडी पब्लिक स्कूल। स्टूडेंट्स, आई एम अपलोडिंग अ वीडियो फॉर क्लास सेवेंथ एंड एट्थ बोथ क्लास स्टूडेंट्स, इंग्लिश ग्रामर वीडियो। विद्यार्थियों, मेरा आज का नया टॉपिक है आर्टिकल। आर्टिकल जैसा कि आप इस जानते हैं, इसे हिंदी में बोलते हैं अव्यय। अव्यय, अव्यय का मतलब आप समझते हैं, यह वह शब्द है जिसे किसी नाउन के साथ जोड़ने पर उसका अर्थ नहीं बदलता, उसके साथ कोई अर्थ की अर्थ का परिवर्तन नहीं होता। आर्टिकल क्या होता है? द वर्ड ए एन एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स। ए एन और द जो हैं आर्टिकल कहलाते हैं। इनमें ए और एन आर कॉल्ड इनडेफिनेट आर्टिकल्स एंड द कॉल्ड डेफिनेट आर्टिकल्स। ए और एन इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं और द डेफिनेट आर्टिकल होता है। एक बात ध्यान देने की जो होती है, केवल काउंटेबल सिंगुलर नाउन के ही साथ इसका इनका प्रयोग होता है, एक नाउन के साथ। रूल नंबर वन, इसमें कुछ नियम मैं आपको बता रहा हूँ। व्हेन द फर्स्ट लेटर ऑफ एनी वर्ड इज कॉन्सोनेंट, ध्यान दीजिए, जब किसी शब्द का पहला लेटर कॉन्सोनेंट हो तो ए इज यूज बिफोर सच नाउन। ऐसे नाउन से पहले ए आर्टिकल का यूज होता है। जैसे ए कप, तो कप में क्या आया? पहले सी आया जो कॉन्सोनेंट है, इसलिए इससे पहले ए आया है। ए हॉर्स, हॉर्स में पहले एच आया है, एच कॉन्सोनेंट होता है, इसलिए ए आया है। ए बुक भी कॉन्सोनेंट, इसलिए ए आया है। और भी एग्जांपल है, मतलब जिन वर्ड्स का पहला अक्षर कॉन्सोनेंट हो उनसे पहले ए आर्टिकल का यूज करते हैं। रूल नंबर सेकेंड क्या कहता है? व्हेन द लेटर फर्स्ट लेटर ऑफ एनी वर्ड इज वोवल, जब किसी वर्ड का पहला लेटर वोवल हो, मतलब ए ई आई ओ यू हो, तो उससे पहले एन का प्रयोग किया जाता है। जैसे एन एप्पल, एप्पल में पहले ए आया जो वोवल होता है, इससे पहले एन लगा। एन एलिफेंट, एलिफेंट में ई है जो वोवल है, एन लगा है। एन ऑरेंज, ऑरेंज में पहले ओ है जो वोवल होता है, इसलिए इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं कि जिन जो वे शब्द जो बोवल से स्टार्ट होते हैं उनसे पहले एन आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। थर्ड नंबर रूल क्या कह रहा है? व्हेन द फर्स्ट लेटर, ध्यान दीजिए, व्हेन द फर्स्ट लेटर ऑफ एनी वर्ड इज एच, जब किसी वर्ड का पहला लेटर एच हो बट साइलेंट, लेकिन वो बोला नहीं गया हो, साइलेंट हो, तो उससे पहले एन का प्रयोग किया जाता है। जैसे एन आर, एच ओ यू आर स्पेलिंग है, लेकिन हम इसका प्रोनाउंसिएशन क्या कहेंगे? आर। एच साइलेंट हो गया, ऐसी कंडीशन में एच साइलेंट होने पर ओ आ गया जो बोबल होता है, इसलिए इससे पहले क्या लगेगा? एन लगेगा। एन ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट मैन ओ ओ आया है, एच साइलेंट है, इसलिए एन लगा है। एन एयर, एच ई आई आर, एयर मीन्स क्या होता है? उत्तराधिकारी, इससे पहले भी एन का प्रयोग किया गया है। तो थर्ड नंबर रूल क्या कहता है कि वे वर्ड जो एच से शुरू होते हैं लेकिन उनका एच साइलेंट होता है तो उनसे पहले एन आर्टिकल का यूज करते हैं। नेक्स्ट नंबर, व्हेन द फर्स्ट लेटर ऑफ एनी वर्ड इज वोवल बट स्पोकन एज कॉन्सोनेंट, ध्यान दीजिए, जब किसी वर्ड का पहला लेटर वोवल हो लेकिन वो कॉन्सोनेंट की तरह बोला जा रहा हो तो उससे पहले ए का प्रयोग किया जाता है। जैसे ए यूनिवर्सिटी, तो यू, बेशक यू आया है लेकिन उसका उच्चारण कैसा है? कॉन्सोनेंट जैसा, इसलिए इससे पहले ए आएगा। ए यूनिट, ए यूजफुल बुक, तो तीनों से पहले हालांकि यू आया है लेकिन उच्चारण इनका कॉन्सोनेंट जैसा है, इसलिए इनसे पहले ए का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट नंबर रूल, एन इज यूज्ड बिफोर एनी काइंड ऑफ एब्रिविएशन, कोई शॉर्ट फॉर्म दे रखी हो, एब्रिविएशन दे रखी हो, तो उससे पहले हम एन का प्रयोग करते थे। एस डी ओ, एस डॉट, डी डॉट, ओ डॉट, तो ऐसी कंडीशन हम क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। एन एम पी, एन एम ए, और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं जो एब्रिविएशन के रूप में दे रखे होते हैं, उनसे पहले हम जो है एन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट नंबर रूल है, द इज यूज बिफोर द नेम ऑफ एटर्नल थिंग्स, रिवर्स नेम, डायरेक्शंस नेम, रिलीजियस बुक्स नेम और सुपरलेटिव डिग्रीज, इनसे पहले हम द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल का। फिर दोबारा ध्यान दें, एटर्नल थिंग्स,
जो सारे भूमंडल में एकमात्र हैं, जैसे सन है, मून है ना, स्टार हैं, इनसे पहले द का प्रयोग करते हैं। रिवर्स नेम गंगा, यमुना, गोदावरी, सरयू, सब द का प्रयोग किया जाएगा इनसे पहले। डायरेक्शन नेम ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, द का प्रयोग किया जाएगा उससे पहले। रिलीजियस पक्ष नेम रामायण, गीता, भागवत, इनसे पहले द का प्रयोग किया जाएगा। और सुपरलेटिव डिग्री, जो हमारे एडजेक्टिव में पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री होती है, सुपरलेटिव डिग्री वाली फॉर्म से पहले भी हम तक का प्रयोग करते हैं। इन सारी कंडीशन में तक का प्रयोग करते हैं। और विद्यार्थी इसके बारे में बहुत और अधिक जानने के लिए आपको बुक देखना पड़ेगा। नेक्स्ट नंबर रूल है, जैसे एग्जाम्पल हैं इसके, तो गंगा, द हिमालय, द गीता, द रामायण, द ईस्ट, द वेस्ट, द सन, द अर्थ, ईटीसी। नाउ दिस इज योर एक्सरसाइज फॉर योर होम। आपको एक्सरसाइज बेटा क्या करना है, आपको ब्लैंक स्पेसेस में ए एन डी फिलअप करना है। उसके बाद जब विद्यालय खोलेंगे तो हम आपसे चेक करेंगे। आप चाहो तो बेटा ऐसे अपना करने के बाद मेरे नंबर पर सेंड भी कर सकते हैं, तो मैं चेक करके आपको बता सकता हूँ कि आपके कितने में से कितने सही हैं। ठीक है, तब तक आप घर पर रहें बेटा, सुरक्षित रहें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।